नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। दीपावली की शुभकामनाएं सभी सब्सक्राइबर और मित्रगण को। दीपावली में मार्केट खुला रहेगा 24 अक्टूबर 2022 को, एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। दोस्तों मुहूर्त ट्रेडिंग जो है 6:15 से 7:15 के बीच मार्केट खुला रहेगा। ये एक्सचेंज की तरफ से अपडेट आया है 24 अक्टूबर 2022 को, और 26 अक्टूबर को भी छुट्टी रहेगी, मार्केट बंद रहेगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 6:15 से 7:15 के बीच मार्केट खुला रहेगा। और इसमें कुछ शेयरों की बात करते हैं तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं दोस्तों, खास तौर से PSU बैंक, दिग्गज बैंक, हैवीवेट SBI। SBI देखिए ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में इसको भी देख सकते हैं। और आगे आने वाले समय में नतीजे भी आने वाले हैं Q2 FY 2023 के, तो उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है, काफ़ी पोटेंशियल है SBI में दोस्तों। और दूसरा जो बैंक रहेगा PSU बैंक से ही रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। और जिनके पास समय है तो इन दोनों बैंक्स में देखना चाहिए, और खास तौर से PSU बैंक अच्छा कर रहे हैं। और पूरा अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो जैसे कि नतीजे हो गए और कोई खबर या न्यूज़ आती है तो इस चैनल से आपको उस कंपनी के बारे में, बैंक के बारे में अपडेट मिलते रहता है दोस्तों। दोनों PSU बैंकों से अच्छा रिटर्न मिल सकता है आगे 6 महीना और 1 साल के अंदर दोस्तों। दोनों का देखिए अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ समय से। उसी तरह से प्राइवेट बैंक HDFC बैंक लिमिटेड, तो HDFC बैंक लिमिटेड का स्टॉक एक रेंज में घूम रहा है, और मर्जर की जो न्यूज़ है HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक में होगा। और इसके नतीजे आए थे, अच्छे नतीजे आए थे, ग्रोथ रही थी, तो HDFC बैंक को भी देख सकते हैं। और IT सेक्टर की बात करते हैं तो इन्फोसिस लिमिटेड नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों, और IT सेक्टर के जो शेयर्स एक तरह से नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है तो IT सेक्टर में दबाव है, और अगर इन्फोसिस को लिया जाए तो नेक्स्ट 1 साल या फिर 2 साल का समय दिया जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस रह सकता है इन्फोसिस का, और डिविडेंड भी मिलते रहता है। इसी तरह से IDFC फर्स्ट बैंक भी अच्छा करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में। और IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे भी आए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है नतीजों में, तो IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर भी अच्छा रह सकता है और समय दिया जाए, और इसके भी ग्रॉस NPAs और नेट NPAs कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रखना चाहिए। और मुहूर्त ट्रेडिंग 24 अक्टूबर को होगी, एक घंटे के लिए 6:15 से 7:15 के बीच, तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं और अपने अनुसार भी स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से शेयरों को खरीद सकते हैं, और समय देने पर अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।